राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट थंब से, ये ऐसे हाथ रखते हैं, ये वायु मुद्रा क्या बोलते हैं इसको बोलो, पांच उंगलियां बताई थी ना, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, सबसे छोटी कनिष्ठा, तो ये ऐसे बैठते हैं। तो ध्यान मुद्रा इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं कहीं कहीं ध्यान मुद्रा। फिर ये वायु मुद्रा ये क्या होगी बोलो, फिर ये शून्य मुद्रा क्या है बोलो, फिर पृथ्वी मुद्रा क्या है बोलो, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, और बीच की दोंगलियों को अंगूठी से मिला दिया तो अपान मुद्रा है, क्या होगी बोलो। अब बहुत सी बातें बता दी, इतनी बातें भी याद रह जाएंगी तो बहुत हैं। तो वायु मुद्रा में बैठने से किसी भी तरह की बॉडी में जो पेन की प्रॉब्लम होती है ना, किसी को यहाँ गर्दन दुखती है, कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं, अभी नहीं दुखते, थोड़े दिनों के बाद में दुखेंगे जो योग करेगा उसके कभी भी नहीं दुखेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे किससे, अंगूठे से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सभी श्वास को अंदर भरो, और राइट से, राइट से बाहर छोड़ो, फिर राइट से अंदर लो, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ो। कंटिन्यूअस करना है, कितनी देर करना है ये, कम से कम 5 मिनट लगातार करना है, किसी को रुकना नहीं है। और आज ही देखना, आज ही आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, आज से आप जो आप सुनोगे, जो पढ़ोगे, जो देखोगे वो याद रहेगा। नहीं तो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती, पहले तो याद ही नहीं रहता, याद हो जाते तो भूल जाते हैं। करो, रुको मत, डोंट स्टॉप इट, डू कंटिन्यूअसली। सीधे बैठेंगे, अनुलोम विलोम कीजिए। एक छोटा सा बढ़िया सा भजन सुनाते हैं आपको, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनना है, पवित्र बनना है, महान बनना है आपको, अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करो, रुकना नहीं है, लगातार करो। अंधकार मन का मिटे, अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश, आत्मतृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। अनुलोम विलोम लगातार करो, किसी किसी के हाथ नीचे आ गए हैं। डोंट स्टॉप इट, डू कंटिन्यूअसली, अल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, आंखें बंद करके करो, फिर देखो इसके करने से ही तो पता लगेगा इससे होता क्या है। अब पानी पीने से तो पता लगेगा कि उससे प्यास बुझती है, नीम खाने से तो पता लगता है कि वो कड़वा होता है, गुड़ खाओगे तो ही तो पता लगेगा वो मीठा होता है,
करो, करने से किसी चीज का लाभ होता है, करने से बेनिफिट होता है। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार। बहे ज्ञान की पावन गंगा, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, मन मधुवन हो दिव्य गुणों के, फैले मधुर सुआ। मन मधुवन हो दिव्य गुणों के, फैले मधुर सुआ। अमर त्याग की दिव्य शिखा बन, अमर त्याग की दिव्य शिखा बन, घर घर करो प्रकाश। आइए आप भी हाथ उठाइए और गाइए। बनो पवित्र बनो, गाइए। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। तो ऐसे ही अनुलोम विलोम कितनी देर करना है? कम से कम जो 5 मिनट ये प्राणायाम कर लेंगे उनका ब्रेन होगा शार्प, तीनों शक्तियां उनकी जगेंगी, अनंत ज्ञान, अखंड निष्ठा, प्रचंड करने की शक्ति जाग जाएगी। अब भ्रामरी प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है सबको। मन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, टीवी देखने में, कार्टून देखने में मन लगता है। तो अब इसको सीधा करना है, पढ़ाई में मन को लगाना है, अच्छे काम में मन को, गलत काम से मन को, कोई खेलना है और दौड़ना है गलत काम नहीं है, लेकिन सुबह से शाम तक खाली खेलते ही रहो वो गलत बात है। हर चीज कैसी होनी चाहिए? बैलेंस। खेलना भी क्या होना चाहिए? उसके लिए बैलेंस टाइम दो। फूड भी कैसा होना चाहिए? बैलेंस। स्टडी भी बैलेंस, सोना भी बैलेंस। हर चीज क्या होनी चाहिए लाइफ में? जोर से बोलो, बैलेंस लाइफ जीना है। कैसी लाइफ जीना है बोलो? बैलेंस लाइफ। तो चलो अब अगला, मन को एकदम शांत करेंगे, यहां मन को टिकाएंगे, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। क्या बोलते हैं इसको?
अब इसको गुजराती और मराठी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं साउथ वाले आज्ञा चक्र, क्या बोलते हैं? और ये इधर ये नॉर्थ इंडिया वाले क्या बोलते हैं? आज्ञा चक्र, क्या बोलते हैं? ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। तो राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? आज्ञा, क्या है बोलो? जैसे इधर नॉर्थ इंडिया वाले क्या बोलते हैं? ज्ञान, क्या बोलते हैं? विज्ञान, वैज्ञानिक। और उधर ये साउथ इंडिया वाले और गुजराती और मराठी क्या बोलते हैं? ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक, ऐसा बोलते हैं। ये दोनों ही उल्टा है। सही क्या है? ज्ञान, क्या है बोलो? विज्ञान। आपने थोड़ा ग्रामर पढ़ाते हैं ना हिंदी का संस्कृत का, तो उसमें संयुक्त अक्षर पढ़ाते हैं। क्ष, क्ष में क्या होता है? क प्लस श, तो क्या होता है? क्ष। त्रय में क्या होता है? त प्लस क्षत्र। जिया, जिया में क्या होता है? जय प्लस य, तो जय प्लस य को क्या बोलेंगे? तो क्या बोलोगे? जिया। तो क्या होना चाहिए? ज्ञान, विज्ञान। और हम क्या बोलते हैं? ज्ञान। तो गय प्लस यह होना चाहिए। मास्टर जी को भी पता नहीं, बच्चे को भी पता नहीं, ये उल्टा हो गया। पढ़ाते सीधा है, मास्टर जी भी पढ़ाते सीधा है और बोलते उल्टा है। खैर, अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। कौन सा प्राणायाम करेंगे? तो पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, और ऐसे तीन बार करना। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। लंबा गहरा सांस भरेंगे, ओम बोलेंगे। साइलेंस, आंखें बंद, मन साइलेंस, कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट स्लोली। लंबा गहरा श्वास, श्वास लेते समय मन ही मन ओम ऐसे सोचना, चिंतन करना, और श्वास छोड़ते समय मन ही मन ओम ऐसे चिंतन करना, इसको बोलते हैं
मानसिक जप। ओम ये भगवान का निज नाम है, भगवान का अपना नाम है। ओम कोई देवी देवता नहीं, जिसको ऑल माइटी गॉड कहते हैं, खुदा अल्लाह कहते हैं, भगवान परमात्मा, अलग अलग नामों से जिसको जानते हैं, उस भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान करना है तो उसके लिए कोई मीडियम चाहिए ना, कोई माध्यम चाहिए। तो ओम ये मीडियम है मेडिटेशन का, जिसको बोलते हैं ओंकार का ध्यान। आज्ञा चक्र में अभी बताया था हमने, दोनों भ्रुवों के मध्य यहाँ ओम एक अक्षर लिख लो, मन ही मन अपने आप ही एक आकृति बना लो, एक विजुअल, एक विजुलाइज करो कि ओम मेरे आज्ञा चक्र में लिखा हुआ है। और ओम में ज्ञान है, ओम में शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, और उसी ओमकार की एनर्जी बॉडी और यूनिवर्स में काम कर रही है। ऐसे एक से दो मिनट ओंकार का ध्यान कर, दोनों हाथों को उठाना, आपस में गड़ना दोनों हाथों के, अब गर्म गर्म हथेली ऊर्जा का उष्मा को जन आंखों पर खोल लेना। तो ये ओंकार का ऐसे गायत्री मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। ओम तो सबको पता ही है, गायत्री मंत्र क्या है बोलिए, ओम भूर भुवः स्वः, ऐसा बोलना चाहिए। कुछ लोग ओम भूर भुवः स्वः ऐसे नहीं, क्या है ओम भूर भुवः स्वः, बोलिए ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे राइट प्रोनंसिएशन है ना, ऐसे ही आपको जप करना है। ओम गायत्री का चैंटिंग इसको बोलते हैं, गायत्री का जप। चलो नेक्स्ट, तो आपको अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बता दिया, मेडिटेशन भी बता दिया, और इससे अंदर की सारी शक्ति जगेगी। सब मनुष्यों में भगवान ने, मैंने बोला बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के, इक्वल नॉलेज, इक्वल लव कंपैशन, इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वल विजडम, इक्वल पावर दिया हुआ है। अब लेकिन वो पावर तो है, नॉलेज तो है, टैलेंट तो है, लेकिन साइलेंट है। टैलेंट तो है सारा, लेकिन कैसा है बोलो, योग करने से वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो चलो इतना रोज करना है, ये कम से कम 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज करना, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। अच्छा, एक तो आपके कंपटीशन वाले आसन हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस करते हो, वो तो करनी ही करनी है, लेकिन 5 आसन ऐसे हैं जो कंपटीशन नहीं करते ना, कंपटीशन वाले आसन जिनको नहीं आते उनको भी ये 5 आसन तो जरूर करने। एक ये तो कंपटीशन वाले तो अलग तरह के आसन है, ये वो आसन है जो जरूरी है हमारे लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, ठीक है। तो चलो कोशिश करेंगे सभी, अभी तो आप तो सब कंपटीशन वाले बच्चे हो, इसलिए आपके लिए तो बहुत सरल है, इजी है। शीर्षासन, चलो बच्चों ने बहुत अच्छा किया, जो नहीं कर रहे हैं वो बच्चे भी कोशिश तो करो। गिर जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर उठ जाएंगे, पहले दीवार के साथ करना, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते भी धीरे धीरे हो जाएगा, बैलेंस बनेगा। आप तो कई तरह से बैलेंस बनाते हो। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया, चलो उनके लिए ताली बजा दो आप लोग। और जो नेक्स्ट, रिलैक्स, वापस आ जाओ। ये कम से कम 1 से 2 मिनट सबको करना है। जो ये आसन करेंगे उनका ब्रेन बहुत शार्प होगा, आंखें बहुत अच्छी रहेंगी, बाल कभी नहीं जड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी आसन है शीर्षासन, कम से कम 5 आसन रोज करने, उसमें पहला आसन शीर्षासन। अब ये दूसरा तो सब कर लेंगे, लेट जाएंगे,
और लेट करके पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, कमर भी ऊपर उठ जाए, सर्वांगासन ये सबको करना है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, करो। पैर सीधे, घुटने सीधे, एडी से एडी मिली भी अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ। कीजिए सभी, सभी ने किया, करो करो, रुको उसी में रुको, वापस नहीं आना। ये सर्वांगासन, ये भी एक से दो मिनट करना है। और अब पैर वापस ले आइए जमीन पर। फिर अगला अगला होगा, ये पांच आसन सबके लिए जरूरी है, शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये कम से कम सबको करने। पैर उठाइए, सिर के पीछे टिका दीजिए, हलासन। सब करो, सबको करना है, टीचर्स को भी करना है, उनका भी हल चलाना है। पैर पीछे टिका के रखो बच्चों, वापस मत लाओ, थोड़ी देर रुको, एक मिनट कम से कम करना है, एक मिनट कम से कम। घुटने सीधे, घुटने सीधे, स्ट्रेट, हाथ नीचे जमीन पर, हथेलियां नीचे, यस, एकदम बहुत अच्छा। कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, फिर वापस, फिर चक्रासन, दोनों हाथ कंधों के नीचे भी उठा दो, करो चक्रासन। चलो, ये तो कंपटीशन वाला है ना, इसलिए कर लेते हैं, करो खड़े होके कर लो, चलो चलो खड़े होके करो, खड़े होके करो, हाँ बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया सब बच्चों ने। छोड़ दीजिए चक्रासन, फिर देखो बैठ करके पश्चिमोत्तानासन, माता घुटनों से लगाओ, सामने वाले बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, करो करो बेटा, हाँ बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं, बेटे भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, करो बेटा, सब करो पश्चिमोत्तानासन। कितने आसन हो गए? पांच। ये सबको रोज करने, और पांच आसन करने में एक एक मिनट भी करो तो कितनी देर लगेगी? कोई कहते बाबा जी हमारे पास में वक्त नहीं है, वक्त कम है, और वक्त कम हो ऐसा बोले तो वो कम वक्त होता है। किसी के पास भी वक्त की कमी? पांच मिनट तो सब कर सकते हैं, तो चलो खड़े हो जाओ दोनों सामने। रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करना है, कितनी बार कम से कम? तो ये है प्रणाम आसन, ये क्या है बोलो? अब और ऊर्ध्वहस्तासन, फिर आगे झुक गए पाद हस्तासन। अब दाहिने पैर पर बैठेंगे, राइट लेग के ऊपर रेस्ट करेंगे, लेफ्ट पीछे ले जाएंगे, दक्षिण अश्व संचालनासन, क्या है बोलो? अश्व संचालनासन, दक्षिण माने दाहिने उसे हो गया, दक्षिण अश्व संचालनासन, क्या है बोलो? ए पीछे वाले बच्चों सब करो, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, करो बेटा। अब ये दाएं भी पीछे पर्वतासन, एरिया जमीन पर, घुटने सीधे, और अब साष्टांगासन, इसमें थोड़ी जमीन पर, पेट थोड़ा ऊपर, छाती जमीन पर, नीचे टिकाना नहीं, आधार ही रखना है। फिर भुजंगासन, पूरा उठाओ, कोने सीधी, पूरी सीधी, पूरी सीधी, पूरा अधिकतम गर्दन भी पीछे झुका दो, बच्चों की गर्दन ज्यादा झुकती है अच्छे से, यस बहुत अच्छा। फिर पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर से लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, वाम क्या है बोलो? अश्व संचालन आसन, दाएं भी आगे पाद हस्तासन, फिर हाथ पीछे ऊर्ध्व हस्तासन, फिर दोनों हाथ सामने प्रणाम आसन। आप पता लग गया सबको?
अब मेरे साथ साथ सबको 10 बार करना है, ठीक है? चलो श्वास अंदर, एक साथ करेंगे मेरे साथ साथ, मुझे देखेंगे और एक श्वास में एक अभ्यास होगा, ठीक है? एक श्वास में एक अभ्यास, फिर चलो श्वास, करो बच्चों साथ साथ करो, ये ऐसे सब करेंगे, कोई चुपचाप नहीं रहेंगे, सब कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।